इधर बाजार की खलबली पर सरकार की भी नजर है। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से खास बातचीत की। सोमवार को भारतीय बाजारों में हाहाकार मच गया और दूसरी तरफ रुपया भी गिरकर दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। क्या है इसकी वजह और आगे क्या रुख हो सकता है? हमारे साथ हैं जयंत सिन्हा, वित्त राज्य मंत्री। सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये चिंता की बात है, 1700 पॉइंट की गिरावट और उसी दिन रुपया भी दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह देखिए ऐसे हैं कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, विदेश में जो शेयर बाज़ार हैं, वहाँ इस समय काफ़ी कुछ अभी बेचैनी चल रही है। बेचैनी इस कारण है क्योंकि तीन ट्रेंड्स हैं जिसके कारण थोड़ी बहुत बेचैनी चल रही है। पर ये हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है इसके पर निर्भर नहीं है। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो सही चल रही है, दुरुस्त है, मजबूत है, परंतु ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उसके कारण जो आज गिरावट हुआ है वो इस कारण हुआ है। तो ये कौन सी ऐसी ट्रेंड्स हैं जिसका हम पे भी इस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है? और ये तीन है। पहला ट्रेंड तो ये है कि चीन में जो आर्थिक व्यवस्था जिसकी गति 9-10% चल रही थी, कई सालों से चल रही थी, आज के समय कम हो गई है। जहाँ 10% उनकी इकॉनमी बढ़ती थी, आज के समय उनकी इकॉनमी 5-7% बढ़ रही है। तो एक स्लोडाउन वहाँ बहुत ज़बरदस्त आया, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका की जो आर्थिक व्यवस्था थी जो काफ़ी धीमी गति से चल रही थी वो थोड़ा आगे बढ़ गई है और अच्छी तरीके से वहाँ ग्रोथ हो रहा है। और क्योंकि वहाँ इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, वहाँ जो उनके सेंट्रल बैंक हैं US फेडरल रिज़र्व, वो वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ डॉलर मजबूत होते चले जा रहा है। और तीसरी बात यह है क्योंकि चाइना में स्लोडाउन है, यूरोप में स्लोडाउन है, जापान में स्लोडाउन है, इस कारण जो कमोडिटीज़ हैं जैसे ऑयल को आप देख लीजिए, आयरन ओर को आप देख लीजिए, एल्यूमिनियम को आप देख लीजिए, ये सब जो कमोडिटीज़ हैं ये आज के समय ऐतिहासिक लो पे हैं।